बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। आपको कोई कुछ भी करना हो ना तो मेरे साथ कीजिए ना, हाथ पैर तोड़वाने मेरे तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कियारा को बचा लो, क्योंकि इस बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ प्लीज। किंग और प्रज्ञा हस्बैंड वाइफ नहीं है, उन दोनों की शादी नहीं हुई है। थैंक्स कहना था को ब्लड देने के लिए। इतने सालों तक तुमने कियारा का ख्याल रखा है, मैंने कभी तुम्हें थैंक यू बोला? कियारा मेरी बेटी है, मेरा खून है, और अपने खून को खून देना कोई ऐसा नहीं होता, पाप का फर्ज होता है। कियारा मिस्टर सिंह की बेटी है। टेस्ट तो मैं कर लूंगी, बाकी सब काम आपको करना पड़ेगा। तो अब आप अंदर जाइए और टेस्ट के लिए जरूरी सामान ले आइए। मुझे कियारा के पास ले चलो। वेदांत तो सबसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा क्या है जो वो अपने ही परिवार से प्यार पाने को तरसता है? जानने के लिए देखिए वेदांत की कहानी राजा बेटा, शाम 6:30 बजे सिर्फ ZTV पर। मुझसे पहले ही आ गए? मैं पहले से ही था, तुम बाद में। चलो अब मैं आ गया हूं तो तुम जा सकते हो, तुम आ गए तो मैं चला जाऊं, ये जरूरी तो नहीं। ये तो बताओ जा कहां रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं है, जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तरुण से मिलते थे। ये तो बताओ जा कहां रही हो? मेहंदी लगाने। मेरे नाम की? मैंने मेहंदी लगवानी बंद कर दी, लगवाऊंगी भी तो आपके नाम की नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें इतनी हिम्मत दे कि तुम मुझे सच बता सको, या फिर इतनी हिम्मत दे कि तुम मेरा सच सुन पाओ। आप कैसे कर लेती ये बातें? आप भी तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा नहीं है, जैसे पहले नहीं थी, जब मुझसे शादी की थी और छुप छुप कर तरुण से मिलते थे। तुम अगर चाहते हो कि मैं और ना पी तो तुम वो बात बता दो जो तुम और किंग मुझे छुपा दे। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। यू लाइक प्रज्ञा? तुम प्रज्ञा को पसंद करते हो? चलो किस कर लो। छोड़िए। क्या मतलब है? जब मन किया छोड़ दीजिए, जब मन किया पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। जाने दीजिए। नहीं ना। It's two mates, okay? अरे, अरे, बदला क्यों ले रही हो मुझसे? गलती हो गई मुझसे, मैं सॉरी बोलता हूँ ना। क्या सॉरी वॉरी, नाटक मत कीजिए, चलिए पीजिए चुपचाप। नहीं पीऊंगा ना मैं। तेज पी लीजिए, नाटक मत। मैंने सॉरी बोल दिया, गलती हो गई मुझसे, सजा क्यों दे रही हो? सजा नहीं है, दवाई समझ के पीजिए ना। दवाई? जहर है ये जहर, एक बार पहले भी तुमने मुझे पिलाया था, इसका टेस्ट अभी भी मेरे जुबान पर है, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। टेस्ट याद है तो ये भी याद होगा ना, 15 मिनट में नशा उतर जाएगा, चलिए चुपचाप पीजिए। नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं होश में हूँ, फुल होश हूँ मैं, I'm so proper। नहीं पियेंगे ना आप? तो ऐसे ही बोल रहे थे, मैं जो बोलूंगी वो आप खुशी खुशी करेंगे। खुशी नहीं, ये खुद खुशी है। ऐसे मत बोलिए ना। मैंने कब बोला था कि जो तुम बोलोगी मैं खुशी खुशी कर लूंगा? बोला था आपने? नहीं बोला था मैंने। अरे बोला था, याद नहीं आप? सब याद है मुझे, नहीं बोला था मैंने। हाँ बोलेंगे भी क्यों, आपको कहाँ पड़ी है मेरी खुशी की? इनफैक्ट
आप वो करेंगे क्यों जो मैं चाहती हूँ, जिससे मुझे खुशी मिल गई? मैं तो पागल हूँ ना? मैं सोचती हूँ कि आप मेरी कदर करते हैं, आप मेरी खुशी की क्या मेरी फीलिंग्स की भी कदर नहीं करते? हंसी देनी चाहिए आपको मुझे, मुझे आंसू दे दिए। अपनी गलती सुधारने के लिए, मेरी खुशी के लिए नहीं। ऐसे मत बोलो, जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। तुम्हारे हाथों से पीऊंगा। सच? मुझ क्या मुझ चल एक गुड बीच एक गुड पॉइंट। अब देखिए ऐसे 15 मिनट में आपका नशा उतर जाता। तुमने देखा मुझे, मैं नशे में था लेकिन मेरी सेंसिबिलिटीज देखी ना, मैं लड़खड़ाया ना, मैंने किसी से लड़ाई की ना कोई तमाशा किया। शराब पी के मैं बिल्कुल भी नहीं बहका। आई कैन हैंडल माय ड्रिंक्स, किसी के हमने बियर नहीं किया। कुछ भी किया हो तो बताओ, कुछ नहीं ना किया ना मैंने किसी से। अच्छा भी चलो फिर खेलते हैं। अरे आप 15 मिनट रुक जाइए आराम से, नशा उतर जाने दीजिए, फिर खेले। अरे तुमने अपने हाथों से पिलाया, 15 मिनट क्या 15 सेकंड में फिट हो जाऊंगा फिर से। खाने का मन नहीं कर रहा है, चलो सही चलो। तो आप सबको ये बात पता होगी कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अगर तुम्हारे फैमिली की ये हालत है तो तरुणी इन सब के लिए काफी है। अरे तुम नहीं काफी हो, समझे तुम? ये हरकत मैं भी कर सकता था अभिषेक, पर मैं तुम्हारे लेवल पर गिरूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे नजर मिलाकर बात कर सको। अरे इन लोगों को लगता है कि लड़की वाले है ना तो सर झुका के चलेंगे, लड़की दे रहे हैं समझे, और देने वाले का सर और हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तुम तो रुक जाओगे कभी, मगर इन सब पे हुक्म चलाने से हमें कैसे रोकोगे? इससे जीनत भाभी क्या है ये? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ पर्व और रेवती कर रहे हैं शादी जिससे है गुड्डन अनजान, और दूसरी तरफ मकर संक्रांति प्रतियोगिता में इतने कम समय में कैसे गुड्डन साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड्स सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। वेदिका जी मुझे लग रहा है कि उसे फिर से आपसे प्यार होने लगा, अभी क्या भी उसे सब कुछ बता दीजिए। आज मैं बता दूंगी उसे कि हम क्या है एक दूसरे के। वेदिका जी थैंक गॉड आप आ गई, मैं आपके पास ही आने वाला था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हम दोनों के बीच कुछ कुछ स्पेशल है? हाँ। वो फोन सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए क्योंकि उस फोन में मेरी जन्म कुंडली है। जब सातन की मौत आती है तो वो शेखुआ की तरफ भागती है। मांझी को कस के पकड़ने से हाथ भी कट सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी ही होगी। नहीं मल्हार जी, जीत हमारी होगी।
किस्मत फिर ले रही है शान और अस्मिता के प्यार का इम्तिहान। कैसे इन अनचाहे रिश्तों को उन दोनों का प्यार झेल पाएगा? क्या उनका पवित्र प्यार कर पाएगा इस अग्नि परीक्षा को पार? क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।